सर एक था बात क्या है हो गया बेटा थैंक यू मारना लाइट मारना बस कितना मारे यार बोल तीनों को साथ में बोल बस करते ना मतलब हाँ हाँ वो सुधा आया आया
एक तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड आशीष इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री और बहुत ही अंडर यूटिलाइज हैं, स्पेशली बॉलीवुड में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इसमें भी कहानी में जो उनकी परफॉर्मेंस है, इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एंड मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आशीष के साथ एक बहुत बड़ा काम करूँ। और जो डायरेक्टर हैं संदीप यहीं पे ही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। क्या फिल्म द फिल्म आल्सो कैरीज अ सोशल मैसेज अराउंड विद द नहीं, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स एन इमोशनल थोड़ा सा फिल्म में जो कैरेक्टर का जो जर्नी है और उसका जो साइकोलॉजिकल उसका जो उसके ऊपर बीतता है, वो कैसे उसको बिहेव करता है, उसका उसका आंकड़ा है। विशाल जी, पटाखा को लेके बड़ी पॉजिटिव वाइब है और उसी एक साथ वो फिल्म का प्रमोशन भी चल रहा है और यहाँ किसी के साथ किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए खड़े होना, कैसे वक्त निकाल पाते हैं मैनेजिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर? साथ चल रहा है द वाइब अराउंड द फिल्म इज रियली पॉजिटिव। नहीं, आई एम वेरी थैंक यू सो मच और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे, लोग फिल्में देखने आए। मैंने जो मैं कर सकता था अपनी फिल्म को लेकर मैं कर चुका हूँ, तो बाकी मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आशीष विद्यार्थी और मैं, हम एक कॉलेज से हैं, हम एक साल से हैं और हम लोग एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ बॉम्बे आए थे, एक साथ स्ट्रगल की, एक साथ ही हमको सक्सेस मिली और अब हम दोस्त हैं बहुत पुराने। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म का मेरा भी बहुत मन है बनाने का और मैं बहुत जल्दी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। Any ideas if you can throw some light who will be the star cast? नहीं, अभी तो मैंने आइडिया भी नहीं सोचा है, पर मैं मुझे वो फॉर्मेट बहुत पसंद है शॉर्ट फिल्म। अभी कुछ नहीं, अभी तो मैंने दो लड़कियों के साथ फिल्म की, इसको पूरा करके रिलीज करने दीजिए। नहीं अभी कुछ नहीं, ओके ओके हो गया, आपका हो गया ना ये तो। अरे भैया एक्चुअली ये मेरे दोस्तों की पिक्चर है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे बहुत पुराने और कुख्यात किस्म के दोस्त हैं, मगर क्योंकि धंधे का सवाल है तो सच बोलना होगा और सच लकीली ये है कि कहानी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी फिल्म है, कहानीबाज, वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे इट इज़ रिटन, द ओरिजिनल आइडिया, द वे इट इज़ एडिटेड, डायरेक्टेड बाय संदीप एंड वेरी वेरी हैप्पी टू सी आशीष परफॉर्मिंग इन फुल ग्लोरी। I've seen him in theater, I've seen him ever since and thanks to Sandeep I got to see a very good performance of Ashish. I would recommend Kahani Baaz to everybody to watch. Film made me suspense chhod rahi hai, aapko lagta hai suspense padna chahiye is film ki, film complete very suspense film. Mujhe nahi lagta ki suspense chhuta hua hai film mein, but mere khayal se overall bahut mukammal film hai. I think everybody would like to watch it on many levels, you know, it works. Sir, but talking about the web series or a short film, you know, there is no censorship. Let's talk about Kahani Baaz right now. Yeah. We'll talk about all those things later. Yes. You know? Thank you. Thank you. We just met Vishal and he said that I am Ashish Singh's staff. He said he is one of the underrated writers. Now,
बहुत कुछ आशीष में है एज एन एक्टर जो यूज नहीं किया है, जो उनको मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद दिस अबाउट आशीष जो विशाल ने कहा है, but also I feel encouraged by that fact that there is also a long career ahead of Ashish and hopefully people like me can exploit that a lot. I'm really like, I would look forward, sir, at some point of time to work with Ashish. Okay, how proud or do you get emotional when Imtiaz come across or Vishal come across, share the memory, getting nostalgic? It is. So just to put it very simply, ek actor jo hota hai wo मरता नहीं है, उसकी इच्छा कई बार मर जाती है, बट बट आई बीन लकी इनफ दैट आई हैव मैनेज्ड टू यू नो कीप माई सेल्फ अलाइव एंड इम्तियाज एंड विशाल एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बींग्स एंड आर्टिस्ट, सो आई एम सो वेरी हैप्पी दैट यू बोथ वर हियर टुडे। हैविंग सेड दैट, आज की जो फिल्म है एक्चुअली बिलोंग्स टू संदीप, because the way he's written it, the way he's directed it, kyunki ye jo medium hai ye bahut aasan nahi hai likhna ya aasan nahi hai banana, really congratulations for having created this and I want you to come center stage please. Okay Sandeep, kya kehna chahoge? Pehli baat to mere liye bahut 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 garv ki baat hai ki Vishal aur Imtiaz aaye, because I wanted, of course everyone coming is welcome, but directors of this caliber coming and watching my film, it's a great privilege firstly, and then Vishal also, apart from what he said to the media, he also said to me privately that he really loved it, and so did Imtiaz. As far as Ashish is concerned, so I had promised Ashish one thing, that I want to rediscover the actor I had seen on Delhi stage years back, and then we worked together on this, and we are both hot headed people, and that really brought out the best in both of us. It was both a challenge and a pleasure. So I'm really happy that today, if Imtiaz is saying after seeing this that he would like to work with Ashish, it's like a rediscovery for Imtiaz as well. So if by this small effort, if that layer of Ashish is able to be taken off, and we are able to see the actor, the real actor within him, it's fantastic, I think. Okay, the last one, if it is okay with Imtiaz, would you be interested in a future directing of web series or web series? Sure, yeah, absolutely. शिल्पा शेट्टी, मुझे आई एम सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस।